दिल से और भगवान की तरफ से यही कृपा बोलेंगे कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही पब्लिक की सेवा, जनता की सेवा करते रहें। हम तो खूब अच्छी बधाई देते हैं कि बाबा जी महाराज सुख शांति मिले उनको और बढ़िया महात्मा बने। खूब बढ़िया आत्मा से बधाई देंगे, भगवान खूब फरा फूले और खूब बढ़िया मंदिर बने और खूब सब दर्शन करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आशा तिवारी। जिस तरीके से अगर बात की जाए, बागेश्वर बाबा का आज जन्मदिन है, आप उसको लेकर के लोगों का क्या कुछ मानना है, क्या कुछ उनकी राय है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आज वो 27 बरस के हो गए हैं। बहुत से लोग उनमें उनकी अगर कथाओं को सुनने के लिए जाते हैं और हालांकि जिस तरीके से बागेश्वर धाम, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं अपने बयानों को लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं, क्या लगता है बागेश्वर बाबा का आज जन्मदिन है, क्या कहेंगे? सही है, सही है, बिल्कुल। संदेश बागेश्वर बाबा से मिलने का मन? हाँ है, तो है, तो है। पर्ची निकालते विश्वास करते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल विश्वास करते हैं। नोएडा आ रहे हैं? हाँ। सेक्टर कितना है? नोएडा आ रहे हैं वो। और ये बताइए, जिस तरीके से आज उनका जन्मदिन है, हर कोई उनको बधाइयाँ दे रहा है, आप किस अंदाज में उनको बधाइयाँ देंगे? अब अमन पहुँचने के बाद बधाइयाँ देंगे, पहुँचने के बाद देंगे, आज तो वो यहाँ पर है ही नहीं ना। चलो ठीक है, जब आएंगे तब देंगे। ठीक, देखिए इस तरीके से वो लगातार बाबा को बधाइयाँ दे रहे हैं और लोग हैं, कुछ युवा भी हैं, उनसे जान लेते हैं। बागेश्वर बाबा का जन्मदिन है, क्या बताएंगे, क्या कहेंगे उनके लिए? जन्मदिन अच्छी बात है, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हर कोई उनको अपने नए नए अंदाज से विश कर रहा है, आप कैसे करेंगे? मैं देखता हूँ यूट्यूब में, सही है इनको, मतलब जितना भी हाँ विश्वास करता हूँ। हाँ करते हैं और लोग भी हैं, हम एक एक से करके चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। महिलाएं भी काफ़ी उनमें रुचि रखती हैं, किस तरह से अविष्ट करना चाहेंगे उन्हें? हम अपने हनुमान जी का उत्सव मनाते हैं और उनसे बढ़कर कोई नहीं है, बागेश्वर जी का है, उनका जन्मदिन है। हम उनको अपने दिल से और भगवान की तरफ से यही कृपा बोलेंगे कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही पब्लिक की सेवा, जनता की सेवा करते रहें। लेकिन राष्ट्र की बात से भी घेरा जाता है, चर्चाओं में रहते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? ये तो सच्चाई है। हाँ जी, लगता है कि जान उनको घेरा जाता है, जानबूझ के घेरा जाता है। बात सही करते हैं, बात तो सही करते हैं, लेकिन राजनीति में उनको घुमाया जाता है। हाँ, और ये 24 तक होगा, सब होगा, 2024 तक ऐसे ही चलेगा, चलेगा। अभी मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद वो क्या नाम है, दिल्ली भी आ रहे हैं, दिल्ली तो अभी आ ही रहे हैं शायद। हाँ, तो उनका जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो है अपने अपने अंदाज में जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रहा है और लोग हैं और लोगों से भी चर्चा करते हैं। नहीं नहीं, बागेश्वर महाराज भगवान करें आगे बढ़ें खूब। हाँ, उनका नाम चले, दीर्घायु के लिए काम अच्छा करें। हाँ, क्या कहेंगे दीर्घायु के लिए? मैं जय जयकार बोल रही हूँ और हमें कुछ कहने नहीं आ रहा है। जयकार बोल रही हैं और वो कुछ कहना नहीं चाहती हैं और लोग हैं, चर्चा कर लेते हैं। बागेश्वर बाबा का आज जन्मदिन है, क्या कहेंगे, सुनती है बाबा की कथाएं? सुनती है? हाँ सुनते तो हैं, वो बहुत प्रचलित हो गया है। अच्छा, हाँ सही बात कहते हैं। हाँ, अब सुनने में तो यही आया है, मिले तो नहीं है अभी, नहीं मिलना चाहती हैं? मिलना तो चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कब मिल पाएंगे, ये भी नहीं पता है, कब मिल पाएंगे भी नहीं पता है। अच्छा, लेकिन मिलना चाहती हैं? हाँ मिलना तो चाहते हैं। देखिए मिलना चाहते हैं और लोग हैं। हाँ माता जी, बागेश्वर बाबा को सुनती हैं? हाँ जी, आज उनका जन्मदिन है, क्या हम वहीं के हैं, छतरपुर जिला के, ठीक है ना, वहीं के माओबा साहिब, छतरपुर बागेश्वर धाम, हमारे एरिया में, हमारे एरिया में। हाँ, आज उनका जन्मदिन है, कैसे बधाइयाँ देंगी? हम तो खूब अच्छी बधाई देते हैं कि बाबा जी महाराज सुख शांति मिले उनको और बढ़िया महात्मा बने, खुश शांति रखे बाबा जी उनकी। हाँ, बहुत बढ़िया है बागेश्वर धाम, बहुत बढ़िया है बेटा। लेके तो तमाम चर्चाएं भी चलती नहीं हैं। कोई चर्चा बेकार है, ये चर्चा बागेश्वर धाम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, ब्राह्मण है, जात के बढ़िया है, ठीक है ना, लेकिन उनके ऊपर बाबा जी की शक्ति है, बढ़िया महान शक्ति। हाँ जी, हाँ जी, दीर्घायु के लिए। हाँ जी, उनके लिए हम सब कुछ बोलेंगे कि बहुत बढ़िया है बागेश्वर धाम। हाँ हाँ, कोई बुराई नहीं करना चाहिए किसी के देवता की, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी अच्छा ही हो रहा है ना, मैं सही बता रही हूँ, सबकी मनोकामना पूरी हो रही है, यहाँ क्यों बुराई करेंगे हम, गरीब भी और अमीर भी सब पल रहे हैं इस जगह पे, ठीक है ना, ऐसी बागेश्वर धाम। क्या कहेंगे बागेश्वर बाबा का जन्मदिन है?
बढ़िया अच्छा है जी, बधाइयां देंगे। हाँ बधाई दे रहे हैं, बढ़िया बधाई दे रहे हैं, आत्मा से दे रहे हैं बधाई। खूब सुख शांति क्या कहेंगी माता जी बागेश्वर बाबा के लिए? खूब बढ़िया आत्मा से बधाई देंगे, भगवान खूब फरो फूले हाँ, और खूब बढ़िया मंदिर बने और खूब सब दर्शन करें। हाँ कोई जो है अपने अंदाज से बागेश्वर बाबा को बधाइयाँ दे रहा है, वो जिस तरीके से लगातार प्रचलित है और उनको लेकर के आज उनका जन्मदिन है, 27 वर्ष के हो गए, बड़े से बड़ा हो या कोई भी हो, हर कोई उन्हें अपने अंदाज में बधाइयाँ दे रहा है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर, कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।